नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसवीर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो यार काफ़ी दिन के बाद आ रही है क्योंकि बीच में कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए थे जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया था, लेकिन अब मैं वीडियो फिर से कंटिन्यू डालूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्क्रॉस के बारे में। तो ये एस्क्रॉस का बेस वेरियंट है। मारुति ने काफ़ी कोशिश करी है एस्क्रॉस को बेचने की, लेकिन इसकी कभी इतनी हाइप नहीं बन पाई। हालाँकि जो इसमें फीचर आते हैं चाहे बेस वेरियंट से ही लगा लो, वो अनमैचेबल है। अब सबसे पहले बात कर लें अगर इसके इंजन ऑप्शन की, तो इसमें 1.5 लीटर का सिर्फ पेट्रोल इंजन ही आपको देखने को मिलता है, जो कि मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में मिलेगा। अब अगर बात करें इसके पावर की, तो पावर 103 bhp की इसमें हमें पावर मिलती है और 138 न्यूटन मीटर का हमें टॉर्क मिलता है। इसके साथ साथ ही इसमें हाइब्रिड का ऑप्शन भी है, जिसकी वजह से कि इसकी फ्यूल इफिशियंसी बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी जो वेट है वो भी ज़्यादा है और उसके बाद भी जो इसकी फ्यूल इफिशियंसी वो निकल के आती है काफ़ी अच्छी। अगर बात करें इसके फ्रंट से, तो फ्रंट में जो हेडलैम्प है इसमें हमें प्रोजेक्टर देखने को मिलेगा। लो बीम के लिए इसमें प्रोजेक्टर है और हाई बीम के लिए इसमें दिया हुआ है नॉर्मल रिफ्लेक्टर। और इसमें आपको हेलोजन लाइट देखने को मिलेंगी, इंटीग्रेटेड इंडिकेटर इसमें दिया हुआ है। और इसके बेस मॉडल से ही इसमें आपको क्रोम ग्रिल देखने को मिल जाएगी और नीचे ये स्किड प्लेट दी हुई है सिल्वर कलर की। फॉग लैंप का ऑप्शन इसमें नहीं है, लेकिन आप बाद में ऐसा पार्ट ऑफ एसेसरीज इसमें लगवा सकते हो। बाकी ये इसका कंप्लीट लुक है फ्रंट से। अब साइड से आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो साइड में इसमें पूरी कंप्लीट क्लैडिंग दी हुई है और आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके व्हील आर्चेस के ऊपर भी क्लैडिंग है और बाकी साइड में भी क्लैडिंग है। और यहाँ ये सिल्वर फिनिश। और अगर टायर साइज़ की बात करें, तो इसमें आपको स्टील व्हील देखने को मिलेंगे और 215/60R16 मतलब 16 इंच के आपको स्टील व्हील देखने को मिलेंगे। अब व्हील कवर या अलॉय व्हील आप अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हो। वहीं बात करें इंडिकेटर की, तो यहाँ फेंडर पे आपको इंडिकेटर मिलेगा। ये बॉडी कलर आपको ORV मिल जाएंगे इसमें। तो ये इसका बेस वेरिएंट है, लेकिन बेस वेरिएंट में ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिल जाएंगी और आपको ऐसे कोई परेशान होने वाली बात नहीं रहेगी। अब जैसे बाकी जितनी भी गाड़ी होती है उनके जो बेस वेरिएंट है, तो उनकी जो ग्रिल है वो आपको नॉर्मली देखने को मिलती है या ब्लैक दे दी तो जो अच्छी भी नहीं लगती। लेकिन इसमें आपको बेस वेरिएंट से ही जो क्रोम ग्रिल देखने को मिल जाएगी और प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प्स, तो आपको इन चीज़ों में कोई मुश्किलें आने नहीं वाली है। बाकी देखने में जो कम्प्लीट लुक है वो काफ़ी बेहतरीन है। अब चलते हैं एक बार आपको इसके अंदर दिखाता हूँ कि अंदर इसमें क्या क्या चीज़ है। तो उससे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। अब ऐसी आपको इसकी की मिलेगी बिल्कुल नॉर्मल वाली, तो इसी में लॉक अनलॉक के बटन दिए हुए हैं, क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो इसे ऊपर वाले वेरिएंट में जो दूसरी की हैं वो मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन इसमें आपको यही की मिलेंगी। अब अगर इसके इंटीरियर की बात करें, तो कम्प्लीट ब्लैक इंटीरियर देखने को मिलेगा। तो ये आप देख पा रहे हो, तो कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर, थोड़े थोड़े से सिल्वर फिनिशेस इसमें दी हुई हैं, जैसे कि यहाँ ये सिल्वर फिनिश है। बाकी जो आर्म रेस्ट है उस पर थोड़ा सा फैब्रिक दिया हुआ है और यहाँ भी ये फैब्रिक। इनसाइड डोर हैंडल आपको ब्लैक मिलेंगे और नीचे आप वाटर बॉटल रख सकते हो। यहाँ ये स्पीकर की जगह दी हुई है, स्पीकर आपको इसमें नहीं मिलेंगे, तो आप इसे बाद में लगवा सकते हो। और यहाँ ये बाकी स्पेस। बाकी आपको पावर विंडो चारों मिल जाएंगे, चारों पावर विंडो, ड्राइवर साइड, ऑटो, अप डाउन। और यहाँ से आप जो मिरर्स हैं उन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से गाड़ी लॉक अनलॉक, और यहाँ से आप ORV में एडजस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकली। तो इन चीज़ों में भी कोई कटौती नहीं की गई है, तो चाहे भले ही इसका बेस वेरिएंट है, लेकिन जो ORV है वो आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाएंगे। कर लेते हैं बात इसके साइड की। तो यहाँ ये मिल जाते हैं इसमें हेडलैम्प्स, तो हेडलैम्प लेवलर, और यहाँ से आपको ऑटो इग्निशन ऑन ऑफ का बटन। और बाकी अगर आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है, तो फ्यूल लिड के लिए आपको फ्रंट सीट के यहाँ ये जगह दी हुई है। तो अब आगे इसके अंदर, तो अंदर अगर इसके बात करें, तो ये ऐसा इसका कुछ आपको स्टेयरिंग व्हील मिलेगा। पहले यहाँ सिल्वर जैसी फिनिश आती थी, लेकिन अभी इसे थोड़ा सा ग्लॉस कर दिया गया और डार्क ग्रे कलर, बीच में आपको हॉर्न पैड। और ये ऐसा है इसका कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इसके बेस वेरिएंट में भी स्मार्ट हाइब्रिड वाली जो टेक्नोलॉजी है वो आपको मिल जाएगी, तो इसकी वजह से ना इसकी जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसकी गाड़ी का वेट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके बाद इसकी माइलेज काफ़ी बेहतरीन हो जाती है। अब मैं एक बार आपको इसे ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ऑन करने के लिए आपको नॉर्मल यही नॉर्मल देखने को मिलेगा, और ये भी इल्यूमिनेटेड है, तो आप इसे यहाँ से ऑन कर सकते हो। तो ऐसा है इसका कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। बीच में इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं MID में, कि लो फ्यूल पे है, आउटसाइड टेम्परेचर, क्लॉक दी हुई है, ट्रिप आप यहाँ से सेट कर सकते हो, बाकी ट्रिप ए और बी, और टोटल कितने डिस्टेंस से कवर कर चुकी है वो सभी चीज़। लेफ्ट साइड में इसमें टैकोमीटर दिया हुआ और उसी के नीचे टेम्परेचर। राइट साइड में अगर बात करें वहाँ, तो वहाँ इसमें स्पीडोमीटर है और नीचे दिया हुआ है इसमें फ्यूल गेज, और बाकी ये सारी लाइट्स की जगह आपको यहाँ कम्प्लीट दिख रही होगी। अब अगर इसके AC वेंट की बात करें, तो ऐसा इसका कुछ AC वेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके साइड में दी हुई हैं ये सिल्वर फिनिश,
स्टेयरिंग के राइट साइड में आपको लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिलेंगे, और वहीं अगर लेफ्ट साइड की बात करूँ तो यहाँ से आपको सारे वाइपर के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सेंटर कंसोल की। तो सेंटर कंसोल आपको ब्लैंक मिलेगा, तो इसमें म्यूज़िक सिस्टम का ऑप्शन नहीं है, आपको इसमें बाहर से लगवाना पड़ेगा। लेकिन जिस कीमत में मिल रही है तो उसके हिसाब से ये ठीक भी है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर इसमें म्यूज़िक सिस्टम लगा होता तो ये थोड़ी सी और महंगी हो जाती। जिनको गाड़ी अपने हिसाब से मॉडिफाई करनी है या फिर चाहते हैं कि भाई मैं कम पैसे में अच्छी गाड़ी खरीदूँ, तो उनके लिए काफ़ी बेहतर ऑप्शन है। नीचे आपको मैनुअल ही एसी देखने को मिलेगा, ये सारे इसके कंट्रोल्स, यहाँ से एसी आप ऑन ऑफ़ कर सकते हो। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन साथ आती है, तो ब्लैक ही आपको कंप्लीट गियर नॉब इसका देखने को मिलेगा। यहाँ इसमें दी हुई है जगह, तो यहाँ पे आप वॉलेट वगैरह रख सकते हो। और ये दिया हुआ है 12 वोल्ट की पावर सप्लाई के लिए सॉकेट। अगर ऊपर की बात करूँ तो यहाँ से आप मैनुअली इसे एडजस्ट कर सकते हो, तो ORVM इसमें मैनुअली एडजस्टेबल मिल जाएगा आपको। और अगर सनवाइज़र की बात करूँ तो ड्राइवर साइड पर आपको नॉर्मल टिकट होल्डर के साथ, और वहीं अगर को पैसेंजर पर बात करूँ तो यहाँ पर आपको इसमें मिरर मिल जाएगा विद टिकट होल्डर। सेंटर में इसमें लाइट्स दी हुई हैं, पीली लाइट ही आपको मिलेंगी। यहाँ इसमें माइक्रोफोन के लिए जगह, अगर आप कोई म्यूज़िक सिस्टम लगवाते हो तो उसके माइक्रोफोन आप यहाँ लगवा सकते हो, तो ये इसमें यहाँ जगह दी हुई है। बाकी जो इसका कंप्लीट लुक है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कंप्लीट ब्लैक है। अब इसका देख लेते हैं एक बार ग्लव बॉक्स। तो ग्लव बॉक्स बहुत बड़ा है इसमें, काफ़ी गहरा भी है और काफ़ी बड़ा भी है, तो आराम से आप जो 1 लीटर की बोतल है वो आराम से रख सकते हो, और उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो ऐसा इसका कुछ ग्लव बॉक्स है। बाकी हैजार्ड लैंप के बटन आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर बात करूँ इसके पीछे, तो यहाँ आपको 2 ग्लास होल्डर मिल जाएंगे, और ये इसकी जो हैंड ब्रेक का नॉब है, तो हैंड ब्रेक लीवर आपको यहाँ, और इसके बाद एक जगह और दी हुई है, तो रियर पैसेंजर के लिए बड़ी बोतल आप यहाँ रख सकते हो। बाकी इसमें आपको फैब्रिक की सीट मिलेंगी, और उसमें भी जो अलग बात है वो ये है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ, ये आप देख पा रहे हो, और जो इसकी रियर सीट है तो उनमें भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ही देखने को मिलेगा। अब चलते हैं एक बार इसके रियर में और देखते हैं कि रियर में कैसा स्पेस है। तो रियर में सबसे पहले डोर की बात करें, तो यहाँ ये आर्मरेस्ट दिए हुए हैं, तो आर्मरेस्ट पे इसमें फैब्रिक लगा हुआ है, ये सिल्वर इंसर्ट। यहाँ पे एक बड़ी बोतल भी रख सकते हो 1 लीटर के आराम से। ये स्पीकर के लिए जगह दी हुई है, और यहाँ ये पावर विंडो, और ये ब्लैक इनसाइड डोर हैंडल। अब चलते हैं एक बार इसके अंदर, अंदर से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये फिर से कि इसके जो हेडरेस्ट हैं ये इसके एडजस्टेबल हैं रियर में भी। अब बैठते हैं इसके अंदर। तो अंदर बैठने के बाद ना, एक तो फ्रंट सीट के पीछे ये पॉकेट मिल जाता है, तो मैगजीन होल्डर, जगह बहुत शानदार है, अभी आप देख पा रहे हो, तो जगह बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा जगह है। तो और इसका रिक्लाइन एंगल भी काफ़ी अच्छा है, और हल्का सा आप थोड़ा सा ऊंचा बैठोगे, मतलब फ्रंट सीट के हिसाब से अगर देखें तो आप हल्का सा ऊंचा बैठोगे, तो ये भी एक ठीक है, तो विजिबिलिटी इसमें ठीक बनी रहती है। और ओवरऑल जो इसका ग्लास एरिया है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। बाकी अगर लाइट की बात करें, तो लाइट, एक लाइट हमें यहाँ सेंटर में दी हुई है, और 2 लाइट हमें वहाँ फ्रंट में दी हुई है। तो ये है इसका कंप्लीट लुक, और आपको दिखा देता हूँ इसका डैशबोर्ड। तो ऐसा इसका कंप्लीट डैशबोर्ड लगता है देखने में, हालांकि ये मैनुअल एसी के साथ आती है और इसमें म्यूज़िक सिस्टम नहीं आता, तो ऐसा ही आपको लगेगा। अब चलते हैं एक बार इसके रियर में और देखते हैं कि इसके डिग्गी में क्या क्या मिलता है। एक चीज़ और काफ़ी अच्छी है कि आप जो इसकी जो सीट बेल्ट है उसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से, उसकी हाइट, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये जल्दी से आपको किसी गाड़ी मिलती नहीं है, मतलब छोटे सेगमेंट की। और इसमें आपको 3 हैंडल्स मिल जाएंगे। तो रियर से देखें तो कंप्लीट आपको ऐसी देखने मिलेगी, तो ये ब्लैक इंसर्ट इसमें दिया हुआ है रियर बम्पर में, और 4 सेंसर हमें देखने मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4, और यहाँ स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग। बाकी आपको नॉर्मल ही इसके टेल लैंप देखने मिलेंगे बल्ब वाले, और ये ऐसी इसकी कुछ है। बाकी वहाँ एस क्रॉस की बैजिंग, और नीचे दिए हुए हैं रिफ्लेक्टर्स, और नीचे दी हुई है, उससे भी नीचे ये दी हुई है स्किड प्लेट सिल्वर। अब एक बार देख लेते हैं इसका बूट। बूट इसका काफ़ी बेहतरीन है, बहुत बड़ा बूट है, हालांकि पार्सल ट्रेस में आपको देखने को नहीं मिलेगी, और इसके बेस वेरिएंट में भी आपको 60-40 स्प्लिट देखने को मिल जाता है, तो आप इन्हें स्प्लिट कर सकते हो। और चाइल्ड एंकर सीट के साथ आती है, तो मतलब सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। बाकी रही बात बूट की, तो ये इसका ऐसा कुछ बूट है, और इसमें यहाँ आपको स्टील व्हील मिल जाएगा। तो स्टील व्हील आपको सेम साइज़ का मिलेगा, जो कि जैसे कि इसमें टायर लगे हैं 215/60R16, तो सेम साइज़ का इसमें आपको व्हील मिल जाएगा, तो उसमें भी आपको कैसी कोई परेशानी होने नहीं वाली है। बाकी आपको फ्लैट लोडिंग लिप मिलेगी,
और काफ़ी सामान आप इसके अंदर रख सकते हो। जो एक्चुअल जो बूट कैपेसिटी है वो नीचे आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। पीछे आपको यहाँ हाई माउंट स्टॉप लैंप और ऊपर माइक्रो एंटीना। तो दोस्तों ये थी वीडियो एस क्रॉस की। हालांकि पता नहीं क्यों इसे इंडियन मार्केट में इतना अंडररेटेड रखा गया है, लेकिन इसके बेस वेरिएंट में इतने फीचर मिल जाते हैं कि कई गाड़ियों में तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे कि चारों पावर विंडो मिले ना मिले, और फिर किसी में ग्रिल अलग है किसी में कुछ अलग है, तो इसमें सभी चीज़ें मिल जाती हैं। और जैसे जैसे आप इसमें पैसे बढ़ाते हो तो उसके हिसाब से इसमें फ़ीचर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपको लुक वाइज मतलब बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में इतना ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि धीरे धीरे करके इसमें फ़ीचर बढ़ते जाते हैं, और जैसे लाइट बदल गई या कुछ ऐसा, तो धीरे धीरे करके फ़ीचर बढ़ते जाएंगे। तो यार इस गाड़ी को आप ज़रूर चेकआउट करें। और एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं आपसे कि कोई भी यूट्यूबर, चाहे मैं हूँ या कोई भी है, तो वो रिव्यू बना देते हैं वो अपने एक्सपेक्ट से कि हाँ भाई ये सभी फ़ीचर मिल जाते हैं, लेकिन एक बार आप शोरूम में ज़रूर आके विज़िट करें, क्योंकि उससे एक्चुअल में गाड़ी का पता चलता है कि एक्चुअल में गाड़ी है कैसी, कितना स्पेस है, कैसी है देखने में। अगर आप घर से बैठ के मूड बनाओगे और उसे रिजेक्ट करोगे तो हो सकता है कि कोई आप अच्छी गाड़ी भी खो दो। तो इसके लिए आप एक बार ज़रूर शोरूम में आके विज़िट करें। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ का लिंक डाल दूँगा, और आप वहां से जाके भी इसे चेकआउट कर सकते हो। आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो और कॉल कर सकते हो किसी भी सेल्स या डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेरी के लिए। तो दोस्तों ये थी वीडियो और एस क्रॉस की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।